सूबे की योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर रद्द कर दिया है। सरकार के इस निर्णय का रामनगरी के संत समाज और सिद्धिपीठ हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश में कोरोना पर विजय पाई गई है, लेकिन अभी सावधानी जरूरी है। उन्होंने कहा, सरकार को सुप्रीम कोर्ट के सुझाव का पालन करने के लिए कोटि-कोटि आभार। अभी लोगों को कोरोना से बचाव के सभी उपाय करने के साथ वैक्सीनेशन कराना चाहिए। वहीं तपस्वी छानवी के महंत परमहंस दास ने कहा कि कांवड़ यात्रा करोड़ों वर्ष पहले से चली आ रही है। ये भगवान भोलेनाथ की उपासना का अनोखा संगम है। इस तरह से भक्त और भगवान का मिलन होता है, लेकिन आस्था तभी रहेगी जब जीवन रहेगा। उन्होंने कहा कि आवश्यक है कि जनजीवन की रक्षा के लिए कोरोना नियमों का पालन करते हुए आसपास के शिवालयों में ही भगवान भोलेनाथ की उपासना करें। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कांवड़ यात्रा का परमिशन दिया था, लेकिन उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार, देखिए अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, तीसरी वेव आने को है। और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जिनके नेतृत्व में दूसरी लहर में जिस प्रकार से पूरे देश पूरे विश्व में लोग हताहत हुए, परेशान हुए, अपने जानने वाले अपने चाहने वाले नहीं रहे, लेकिन माननीय महाराज जी को साधुवाद है, महाराज जी ने कंट्रोल किया। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी महाराज के नेतृत्व में हम लोग कोरोना पर उत्तर प्रदेश में विजय पाए। तो कांवड़ यात्रा को लेकर महाराज जी ने कोर्ट का आदेश का पालन किया और निर्णय लिया कि हाँ यात्रा नहीं होगा। उनको कोट-कोट आभार है, कोट-कोट साधुवाद है, क्योंकि अभी यह खत्म नहीं हुआ है और हर व्यक्ति को सोशल डिस्टेंस का पालन करना पड़ेगा, मास्क का उपयोग करना पड़ेगा, हर व्यक्ति वैक्सीन लगवा ले, हर व्यक्ति सैनिटाइज का प्रयोग करे और यथासंभव कोशिश करे, क्योंकि अभी बचने की ज़रूरत है। क्योंकि आपने दूसरी वेव में देखा होगा जिस प्रकार से लोग परेशान थे, जिस प्रकार से लोग डरे हुए थे, जिस प्रकार से लोग सहमे हुए थे, बहुत से अपने लोग, बहुत से अपने चाहने वाले नहीं रहे। इसके नाते इस चीज़ को मानना पड़ेगा और साधुवाद है माननीय उत्तर प्रदेश योगी जी को कि जिन्होंने यह निर्णय सराहनीय निर्णय लिया। देखिए, जो कांवड़ यात्रा है ये हजारों करोड़ों वर्ष पहले से चली आ रही भगवान भोलेनाथ की उपासना का अनोखा संगम है और इसमें एक तरह से भक्त और भगवान का मिलन होता है, लेकिन आस्था तभी रहेगी जब जीवन रहेगा। और इस वैश्विक महामारी में जिस तरह से तमाम लोगों की जान चली गई है, तो आवश्यक है कि जनजीवन की रक्षा के लिए लोग कोविड नियमों का पालन करके आसपास के शिवालयों में ही जो है भगवान भोलेनाथ की उपासना करें। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जनजीवन की रक्षा के लिए जो कांवड़ यात्रा को स्थगित किया है, उसको लेकर के हम साधु संत धर्माचार्य माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे और जनता से भी अपील करेंगे कि इस बात को लेकर के किसी भी तरह से लोग दुखी ना हों और इस बात को लेकर के बुरा न माने, क्योंकि आपके जीवन की रक्षा के लिए ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कदम उठाया है। इसलिए जीवन रहेगा तो फिर न जाने कितनी बार कांवड़ यात्रा होगी और यह वैश्विक महामारी का ये अंतिम दौर चल रहा है। भगवान चाहेंगे तो यह वर्ष जो है तो ये अंतिम होगा इस महामारी का और फिर भारत के इतिहास में कोई भी महामारी और दैवीय आपदा नहीं आए।